पोलियो की वजह से बायां पैर लगभग पैरालाइज हो जाना और उसके बाद दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना 67 साल की उम्र में, जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं, उस उम्र में फिर से एक नई शुरुआत करना। आज मैं कुछ ऐसी ही दो इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम उदय सिंह है। पहली स्टोरी है थॉमस अल्वा एडिसन की। इस नाम से सब लोग परिचित हैं, लेकिन ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, ये इनकी रियल लाइफ स्टोरी है और इस स्टोरी ने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, ये बात है, एक दिन शाम को घर पर एडिसन अपना डिनर कर रहे थे और उस वक्त उनके पास सूचना आती है कि आपकी कंपनी में आग लग गई है। अपने बेटे के साथ वो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा कंपनी कैंपस आग में घिर चुका था और पूरी तरह से तबाह हो गया था। ये अपने बेटे को कहते हैं कि तुम अपनी माँ को बुला के लेके आओ, इस तरह की आग वो फिर कभी नहीं देखेगी। बेटा ये सुनकर थोड़ा सा विचलित हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है पिताजी शायद पागल हो गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा सदमा जिसमें इस आग में उनका अब तक के सारी उपलब्धियां, सारे अचीवमेंट, सारे रिकॉर्ड, सारे रिसर्च जलकर खाक हो चुके थे। पर एडिसन घबराए नहीं, वो कहते हैं इट्स ओके, इसका सामना करते हैं, कोई बात नहीं, ये जल गया तो अच्छा हुआ ये जल गया, क्योंकि ये हमें कुछ नया करने से रोक रहा था। हमारे दिमाग में ये सारी चीजें घुसी हुई थी और हमें कुछ नया करने से रोक रही थी। दोस्तों, ये एटीट्यूड कहने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में बहुत डिफिकल्ट है। पर इसी तरह के एटीट्यूड वाले थे थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने वापसी की, फिर से सारी चीजें शुरुआत की 67 साल की उम्र में, 67 ईयर्स, जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपने घर पर बैठे होते हैं और ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो इस दुनिया को विदा कहेंगे। उस उम्र में फिर से एक शुरुआत करना कितनी बड़ी बात है। उन्होंने फिर से शुरुआत की और एक अनुमान के मुताबिक जो पहला नुकसान हुआ था आग लगने पर, वो $1 मिलियन का था। अब इन्होंने $10 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। मैं यहां ये क्यों बता रहा हूं कि किस नजरिए से उन्होंने फिर से शुरुआत की। वो नजरिया था कि जो भी है उसे स्वीकार करो और जो भी होगा वो देखा जाएगा। ये एटीट्यूड बहुत मायने रखता है दोस्तों, कि जो भी हुआ उसे सामना करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और जो भी होगा वो देख लेंगे। इस एटीट्यूड से उन्होंने वापसी की और $10 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। दूसरी स्टोरी है विल्मा रुडोल्फ की। 4 साल की उम्र में न्यूमोनिया होने की वजह से डेथ स्टेज पर पहुंच गई थी और इसी वजह से उन्हें पोलियो भी हो गया। इस वजह से उनका बायां पैर लगभग खराब हो चुका था। वो अब एक बैसाखी के सहारे चलने लगी थी। 9 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने बैसाखी को छोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा बिना बैसाखी तुम नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानी और बिना बैसाखी के चलने की प्रैक्टिस शुरू की। ये बड़ा तकलीफ दे था, क्योंकि जब आप अपना बैलेंस भी नहीं बना सकते, ऐसी सिचुएशन में आप चलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत मुश्किल था ये। लेकिन वो रोजाना प्रैक्टिस करती थी। 12 साल की उम्र में पहली रेस में पार्टिसिपेट किया और जीती। 16 साल की उम्र में पहला ओलंपिक और ब्रॉन्ज मेडल, और 20 साल की उम्र में दूसरा ओलंपिक, 3 गोल्ड मेडल, और दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। ये सब कैसे हो पाया? विल्मा रुडोल्फ बताती हैं कि वो रोजाना सिर्फ ये प्रैक्टिस करती थी कि कैसे वो बिना स्टिक के, बिना कैलिबर के चले, और ये बड़ा चैलेंजिंग होता था, लेकिन वो रोजाना ये प्रैक्टिस करती थी। घर पर, आसपास, स्कूल में जब भी मौका मिलता, उसकी प्रैक्टिस सिर्फ एक ही होती थी कि बिना कैलिबर वो कैसे चल सकती है, बिना सपोर्ट वो कैसे चल सकती है। और हर दिन की ये चैलेंजिंग सिचुएशन को सामना करने का उसका एटीट्यूड उसे इन ऊंचाइयों पर लेके जाता है। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को किस रूप में पहचानना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी रिमेम्बर एज ए हार्ड वर्किंग लेडी। सिंपल सा एटीट्यूड कि मैं सिर्फ अपने आप को एक हार्ड वर्किंग लेडी के रूप में जानना पसंद करूंगी, कि मैं हमेशा कोशिश करती रहूं और अपनी लिमिट्स को ब्रेक करती रहूं। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ ये कैसे कर पाई होगी? एक ही एटीट्यूड है यहां पर दोस्तों। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपनी पोटेंशियल पर कितना ट्रस्ट है। विल्मा रुडोल्फ ने अपनी पोटेंशियल पर ट्रस्ट किया और अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना शुरू किया, और वो सब कुछ वो कर पाई जो अनबिलीवेबल सा लगता है। ये दोनों इंस्पायरिंग स्टोरीज एक मैसेज देती है। पहली स्टोरी कि जो भी है उसे स्वीकार करो और जो होगा देखा जाएगा, पूरे फेथ के साथ, करेज के साथ। और दूसरा, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या डेफिनेशन रखते हैं, वही आपकी लाइफ को आगे लेके जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज डू कमेंट हेयर। अगेन, आपका प्यार बना रहे ऐसे ही, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।
थैंक यू सो मच।